नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी 95 पर। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों, अगर आप अपना जो भी गन्ने का सट्टा है फैक्ट्री द्वारा, आप ऑनलाइन अपने आप दोस्तों किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन गन्ना किसान के सट्टा में अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, और दोस्तों वीडियो को अगर आप स्किप ज़रा भी करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को फॉलो करें और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, आप अगर आपको अपना गन्ने का नया सट्टा बनवाना है, नया ऑनलाइन आवेदन कराना है, तो आपको सबसे पहले अपनी जो मुख्य वेबसाइट है जो शुगर कैन की, तो दोस्तों आपको उस पर आ जाना है। तो दोस्तों अपना गूगल क्रोम खोल लेना है, और गूगल क्रोम खोलने के बाद दोस्तों इसमें आपको इसमें टाइप करना है कैन CANE कैन UP.IN। अगर दोस्तों आप यूपी के निवासी हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, इसमें दोस्तों CANE UP.IN इस तरह से आपको टाइप कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है। इसे आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। इस तरह से आपको इस वेबसाइट को अपने मोबाइल फ़ोन में, अगर आप कंप्यूटर में चला रहे हैं तो कंप्यूटर में इस तरह से आपको टाइप कर लेना है। जैसे आप इसमें टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद किसान भाइयों आपको इसे सर्च कर देना है, और सर्च करने के बाद आपके सामने जो गन्ने की जो मुख्य वेबसाइट है चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, इस तरह की वेबसाइट आपके सामने इस खुलकर आ जाएगी। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलता होगा, यहाँ पर आपको इस पर कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डेस्कटॉप साइट, इस तरह का एक ऑप्शन मिलता है आपको। तो वहाँ पर अगर आपका इस तरह से यहाँ पर टिक करा हुआ नहीं है चेक मार्क में, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कर लेना है टिक। इस तरह इससे क्या होगा कि दोस्तों आपकी जो मुख्य वेबसाइट है वो आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत अच्छे तरीके से एक्सेस करेगी, और यहाँ पर बहुत अच्छे से रन कर पाएगी। तो दोस्तों मेरा टिक करा हुआ पहले से ही, आप इसे टिक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पर चले आना है नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए, और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ एक ऑप्शन मिलता है आपको आंकड़े देखें। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको आंकड़े देखें। आंकड़े देखें वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। मैं दोस्तों इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डाटा देखने के लिए कैप्चा डालें। दोस्तों यहाँ पर ये कैप्चा दिया हुआ है, ये कैप्चा आपको जैसे ही कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जिस तरह से आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी तरह से आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ फिल इस तरह से। आप भी इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक फिल करिए, वरना अगर गलत हो गया दोस्तों तो आपका ये वेबसाइट यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है व्यू, तो दोस्तों आपको इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, अगर आप राजस्व डेटा भरना चाहते हैं घोषणा पत्र यानी, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस वाली वेबसाइट इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है देखने के लिए। दोस्तों अगर आप रेवेन्यू डाटा भरना ही चाहते हैं तो आपको ऊपर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। कोई भी फाइल वगैरह कंप्लेन करना चाहते हैं तो आपको बीच वाले यानी फाइल कंप्लेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमें कुछ भी नहीं करना, हमें नया सट्टा जो भी उसका ऑनलाइन नया आवेदन करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस एक्शन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हम इस एक्शन वाले बटन पर क्लिक करते हैं। इसमें दोस्तों हमें क्या मिलता है, हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले हमें क्या ऑप्शन मिलता है, न्यू मेंबरशिप यानी नया जो भी सट्टा करना चाहते हैं वो। उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन मिलता है रेवेन्यू डाटा राजस्व डाटा, यानी जैसे दोस्तों किसी की खतौनी वगैरह है चढ़ने की, तो दोस्तों यहाँ से आप उसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है फाइल कंप्लेंट, अगर आप किसी प्रकार की शिकायत वगैरह करना चाहते हैं आप तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें न्यू मेंबरशिप यानी नया सट्टा ऑनलाइन करना है, तो दोस्तों हमें सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है न्यू मेंबरशिप। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, रिडायरेक्ट हो जाएगा नए पेज पर। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना है। अगर आप इसे इंग्लिश में चलाना चाहते हैं तो इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है इंग्लिश। अगर आप हिंदी में इसे चलाना चाहते हैं आप हिंदी रहने दीजिए। तो दोस्तों मैं इसे हिंदी में ही चलाना चाहता हूँ तो मैं इसे हिंदी रहने देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों यहाँ पर ज़िला, तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपना जो भी आप जिस ज़िले के निवासी हैं यूपी के, आपको इसमें अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इसमें लिखा हुआ समिति, आप किस समिति से सिलेक्ट हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा फैक्ट्री। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी ये सब कुछ फिल कर लेता हूँ।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना ज़िला सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर समिति सेलेक्ट करूँगा, जो भी आपकी समिति या ऑफिस में यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ दोस्तों मेरा जो भी ज़िला है वो यहाँ पर पीलीभीत है, और पीलीभीत के बाद यहाँ पर दोस्तों समिति है वो भी पीलीभीत ही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको फैक्ट्री का। दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, ये वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको अपनी जो भी फैक्ट्री से आप कॉन्टैक्ट हैं, आपकी जो भी फैक्ट्री नज़दीक है, जिस फैक्ट्री में आपका गन्ना जाता है दोस्तों, उस फैक्ट्री को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी आपकी फैक्ट्री आती होंगी आपके नज़दीक वाली, तो आपको यहाँ से अपनी फैक्ट्री सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों आपको यहाँ पर गाँव। अगर दोस्तों वीडियो ज़रा भी आप स्किप करेंगे तो दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप बड़े ही ध्यानपूर्वक और बड़े ही स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली नोटिफिकेशन और महत्वपूर्ण जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना क्या करना है, अपना जो भी आपका गाँव है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप इसमें अपना गाँव सेलेक्ट करेंगे, दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना गाँव सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आप जिसके नाम से जो भी आपका नाम जो भी किसान है अपने उस जिसके नाम से आप सट्टा करना चाहते हैं, इस वाले बॉक्स में आपको फिल कर देना है। दूसरा जो ऑप्शन आपको उसका पता है पति का नाम फिल कर देना है। तीसरा जो ऑप्शन है आपको उसका अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। दोस्तों मैं यहाँ पर तीनों जो भी है डिटेल वो भर देता हूँ। दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर किसान का नाम आप इस तरह से आपको फिल कर देना है। उसके बाद ऑप्शन मिलता है उसके पिता या पति का नाम, तो दोस्तों यहाँ पर उसके पिता या पति का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर दोस्तों किसान का जो भी मोबाइल नंबर यानी जो भी चालू मोबाइल नंबर है यानी दोस्तों करंट में दोस्तों एक्टिव होना चाहिए, वो नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। दोस्तों जो भी किसान की कृषि है यानी जो भी भूमि है उसकी क्षेत्रफल है उसका हेक्टर में आपको इस पर फिल कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे उसकी भूमि 1 एकड़ है तो दोस्तों आपको 1 एकड़ का हेक्टर में भाग करके यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको नीचे अगेती पौधा हेक्टेयर और सामान पौधा हेक्टेयर। अगर उसका जो भी गन्ना है दोस्तों तो अगेती पौधा कितने हेक्टेयर में है और सामान पौधा कितने हेक्टेयर में है उसको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है अगेती पौधा हेक्टेयर वाले में यहाँ पर फिल कर देना, अगर सामान पौधा हेक्टेयर में है दोस्तों वो जितने हेक्टेयर में यहाँ पर फिल कर देना, अगेती पौधा सर्द ऋतु हेक्टेयर में है तो दोस्तों आपको यहाँ पर फिल कर देना है इस तरह से। दोस्तों उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है, उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य पौधा सरद ऋतु हेक्टेयर, तो आपको यहाँ पर इसमें अगर अपना सामान्य पौधा सरद ऋतु यानी जो भी सर्दी का मौसम वाला है वो दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको ऑप्शन मिलते हैं बहुत सारे, ढेरों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वीडियो को दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको शिक्षा, अगर दोस्तों जिस किसान यही जो भी आपका फार्मर है यानी जिसके नाम से आप सट्टा कर रहे हैं, अगर आप स्वयं अपना सट्टा कर रहे हैं तो आपकी अपनी शैक्षिक योग्यता यानी जितनी भी शिक्षा आपको फिलहाल सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी जाति यानी जिस कास्ट के आप हैं व्यक्ति का उसको आपको जाति सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना लिंग यानी मेल या फीमेल, अगर आप लेडीज़ हैं तो आप फीमेल सेलेक्ट कीजिए, अगर आप मेल हैं यानी जो पुरुष हैं तो आप अपना मेल सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा शिक्षा, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारी शिक्षा आपको मिल जाएंगी, जैसे कि दोस्तों 8 पास, 10th पास, 12 पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या अदर, तो दोस्तों मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जाति, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST जनरल OBC, तो यहाँ से अपनी जाति सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है लिंग यानी आप फीमेल हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, पुरुष हैं या महिला हैं, अगर आप पुरुष हैं तो मेल सेलेक्ट कीजिए, अगर आप महिला हैं तो फीमेल सेलेक्ट कीजिए, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है उम्र, दोस्तों उम्र में आपको क्या करना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप यहाँ पर इस तरह से आपको डाल देना है, जैसे 40 साल 50 साल जो भी उम्र है तो वो यहाँ पर डाल देना है आपको, इस तरह से आपको उम्र इसमें फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है, यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है बैंक खाता, इसमें आपके अपने बैंक की डिटेल डालना है। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है शाखा का नाम, IFSC कोड, इस तरह से आपको मिल जाता है। तो दोस्तों मैं बैंक की डिटेल बाद में डालूँगा, पहले आपको नीचे की साइड डिटेल बता देता हूँ। आपको दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों इस तरह से बैंक खाता संख्या, तो आपको अपना बैंक खाता संख्या इसमें फिल कर देना है। बैंक खाता संख्या फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट यानी दोस्तों अगर आप अपना फ़ोटो सिग्नेचर कुछ भी यहाँ पर अगर आप लगाते हैं तो आपको अपना सिग्नेचर यानी उसके नीचे जो भी फ़ोटो कॉपी है उसके नीचे आपको सिग्नेचर ज़रूर कर देना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब यही होता है, इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर कर देना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है
किसान का फ़ोटो दोस्तों, अपना नवीनतम फ़ोटो यानी जो भी आपका फ़ोटो है नवीनतम, वो आपको यहाँ पर अपना डाल देना है दोस्तों। फ़ोटो का साइज़ यहाँ पर दोस्तों 20 KB से नीचे होना चाहिए, यानी 20 KB JPG फाइल में होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है JPEG या फिर JPG फाइल में होना चाहिए फ़ोटो। उसके बाद दोस्तों हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बैंक खाता, दोस्तों बैंक खाता यहाँ पर आपको मिल जाता है। अपनी बैंक खाता की जो भी पासबुक है उसका जो भी फ़ोटो कॉपी है उसे आप अपने फ़ोटो कॉपी की अगर फ़ोटो है तो उसे आप यहाँ पर फ़ोटो अपने मोबाइल से खींच कर या फिर स्कैन करके अपने कंप्यूटर से इसमें लगा दीजिए। उसका भी साइज़ दोस्तों 50 KB से नीचे होना चाहिए। उसके बाद नीचे आते हैं, इसमें आपको मिलता है खतौनी। तो दोस्तों अगर आपकी खतौनी जितनी भी है आपको यहाँ पर सेल्फ टेस्ट करके लगा देनी है। उसके बाद आपको मिलता है फ़ोटो पहचान पत्र। तो दोस्तों आपको फ़ोटो पहचान पत्र में अपना आधार कार्ड या फिर अपना पहचान पत्र, दोस्तों यहाँ पर बेटर रहेगा कि आप अपना आधार कार्ड ही लगाएं। तो दोस्तों आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड यहाँ पर अटैच कर दें। इसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है नीचे घोषणा पत्र। तो दोस्तों आपको ये घोषणा पत्र डाउनलोड करना है, और घोषणा पत्र डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको अपनी सारी डिटेल, अपना नाम और अपना सिग्नेचर करके दोस्तों आप इसमें लगा सकते हैं घोषणा पत्र दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है नीचे साधन। दोस्तों आप साधन वाले ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर आपको साधन जो भी आपका साधन है, इसके बाद आपको गन्ना आपूर्ति केंद्र। दोस्तों इस तरह से आपको अपना साधन जैसे दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे दोस्तों आपको कार्ट यानी जो भी बैलगाड़ी है, ट्रॉली है, ट्रॉली 81 क्विंटल, 54 क्विंटल, कार्ट 27 क्विंटल यानी बैलगाड़ी 27 क्विंटल की होती है। तो दोस्तों अगर आपके पास ट्राली है, आप ट्राली साधन है, तो दोस्तों आपको इसमें ट्राली 55 यानी 54 क्विंटल वाली सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको गन्ना आपूर्ति केंद्र यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। जो भी आपका नज़दीक में जो भी आपका सेंटर पड़ता है गन्ना का, जहाँ भी गन्ना डालना चाहते हैं, वो आपको यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। तो दोस्तों मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर दोस्तों अपना जो भी गन्ना आपूर्ति केंद्र है यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों आपको मेन जो पॉइंट है वो यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा इस तरह से। आप इसे सबसे पहले आप उसे पढ़ लीजिए इस तरह से। यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन के 4 दिन अंदर अभिलेखों के साथ अपनी सहमति से संपर्क करके 221 रुपये सदस्यता शुल्क जमा कीजिए। किसी प्रकार की असत्य जानकारी होने पर उसके लिए उत्तरदायी मैं स्वयं होऊंगा। तो आपको क्या करना है, इस पर टिक कर देना है, और टिक करने के बाद दोस्तों इस पर एक ऑप्शन मिलता है नीचे आपको सबमिट वाला, इस तरह से आपको एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का। तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही अपनी डिटेल सारी भरकर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक एक्नॉलेज्ड नंबर यानी आपके लिए एक एक्नॉलेज्ड नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा इस तरह से। 12, 22, 26 इस तरह से जो भी आपका एक्नॉलेज नंबर आए उसे आप नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के बाद एक ऑप्शन मिलता है आपको फॉर्म डाउनलोड करें। तो आवेदन फॉर्म इस पर आप कैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या पॉपअप विंडो खुलता है, इस तरह से आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो भी आपका एक्नॉलेज नंबर जनरेट हुआ था इस, तो वो नंबर आपको इस एक्नॉलेज नंबर वाले ऑप्शन में फिल कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप वो नंबर इसमें फिल करेंगे, और फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबमिट वाला एक ऑप्शन मिलता है, आप सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद आपका जो भी फॉर्म है वो दोस्तों आपके सामने खुलकर आ जाएगा। आप उस फॉर्म को किसी कंप्यूटर या पास वाली दुकान पर जाकर प्रिंट करवा लीजिए। अगर आपके पास कंप्यूटर प्रिंटर है तो आप इसे प्रिंट करके, और दोस्तों आप इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज लगाकर जो भी आपने इसमें अपलोड किए हैं वो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिला है रजिस्ट्रेशन के 4 दिन अंदर अभिलेखों के साथ अपनी सम्मति यानी जो भी आपकी नज़दीक जहाँ भी आपने अपना जो भी फैक्ट्री आपने चूज करी है उस सम्मति से संपर्क करके 221 रुपये यानी दोस्तों 221 रुपये जो भी आपका सट्टा है, जो भी आपका गन्ना किसान सदस्य लेना चाहते हैं, तो 221 रुपये आपको अदर शुल्क जमा करना पड़ेगा। और दोस्तों जमा करने के बाद आपके जो भी सट्टे की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आपको 4 दिन के अंदर ही अभिलेख के साथ अपनी समिति से संपर्क करना ज़रूरी है। अगर आप संपर्क नहीं करेंगे, आप फॉर्म जमा नहीं करेंगे, तो आपका ये रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल STD95 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।